पूरा एरिया देखो, पूरा सुनसान एरिया है ये। वो सामने पहाड़, यहाँ पे नदी, इस साइड यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है इस साइड, और यहाँ पे आग भी पकड़ चुकी है। गाइस अभी थोड़ा कढ़ाई को साफ ऑफ कर रहे हैं पानी से, उसके बाद उसमें पानी भर के हाथ पाथ धो लेंगे। व्हाट्सएप फैमिली के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू सर ब्रदर्स। आज हम लोग जाने वाले पिकनिक पे, और पिकनिक में भी हम लोग सामान लेने जाएंगे, तैयार वैयार हो चुके हैं वहाँ पे। जो सब मैं खेरा जितने मैं थोड़ा सा काम करने का मंदिर का काम हो जाएगा, उसका हम लोग जाने वाले हैं पिकनिकने के लिए। और पिकनिक कहाँ जा रहे हैं ये सब चीज़ हमको आपको बताएंगे ब्लॉग के बीच में, तो जुड़े रहना हमारे साथ। तो चलते हैं जल्दी से फटाफट, तो चलो चलते हैं। तो वैसे भी हमने ले लिए मैगी, ये ले लिया है सॉस, वहाँ पे ले रहे हैं परमल सेव, और अभी लेके चलते हैं। तो टोटल यहाँ पर पूरा सामान ले चुके हैं हम लोग, तो हम लोग जा रहे हैं मैगी बनाने के लिए। परमल को भी ले लिया, अगर मैग से पेट नहीं भराया तो वो ले लेंगे, उससे वो कर लेंगे हमारा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अभी रोड भी बता देंगे आपको थोड़ा बहुत। हमारे साथ हो चुका था टाइम, हमने देखो पानी की बॉटल लाए थे, ना टमाटर लाए, ना आलू लाए, सिर्फ प्याज हरी मिर्च लिया है। तो गाइस हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। हम आए थे पार्टी करने और पानी की बोतल भी घर पे भूला आए हैं, और टमाटर बाजार से लाने थे, टमाटर भी भूला है। इधर कोई भी जगह बहुत दूर दूर तक देख लिए, टमाटर भी नहीं मिल रहा है, और ना पानी की बोतल तो मिल गई है पर टमाटर नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं भाई, टमाटर केचप से ही काम चलाएंगे अपना। और चलो भाई सबसे पहले तो लकड़ियाँ बीनते हैं, क्योंकि जंगल में आए तो कोई कंडे तो लेके आए नहीं अपन, तो सबसे पहले लकड़ियाँ बीनेंगे। इसके बाद फिर अपन एक चूल्हा बनाएंगे पत्थरों से एक चूल्हा बनाएंगे, और फिर मैगी बनाएंगे भाई। चलो तो गाइस हमें जगह मिल चुकी है, यहाँ पर बनाएंगे हम, क्योंकि पत्थर भी यहाँ है, और यहीं पर बढ़िया अच्छा चूल्हा बनाते हैं और मैगी बनाते हैं। साहिल भाई लगे बिल्कुल, ये गाइस सूखी सूखी लकड़ी मिल गई जो हमारे साहिल भाई फेंक रहे हैं। अरे थोड़ा लंबा हाथ से दादा, ये हमारा बनने वाला चूल्हा, मैं और चटनी मिलकर बनाने वाले हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नदी के पास हाथ धोने के लिए, और थोड़ा सा कढ़ाई को साफ ऑफ करने के लिए। अभी चलते सामने, हाथ बात धोंगे, फिर मैं अपना हाथ धोएगा, कढ़ाई में भर के ले जाएंगे, उसमें धो लेगा वो हाथ अपने। जो भी होगा देखते हैं। खैर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाले इस ब्लॉग में, क्योंकि यार देखो जंगल की टिप्स एंड ट्रिक लेने वाले, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आए और आप लोग फर्स्ट टाइम जाने वाले हो, और काला काला पता नहीं क्यों आ रहा है यार ये। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं नदी के पास, अभी यहाँ पे हम हाथ धोएंगे। एक तो पूरी नरम जमीन हो रही है गाइस, हाथ भी धोए तो धोए कैसे गाइस। अभी थोड़ा कढ़ाई को साफ ऑफ कर रहे हैं पानी से, उसके बाद उसमें पानी भर के हाथ पाथ धो लेंगे। हमने मतलब इसके अंदर पानी ले लिया है, उसमें सब्जी को भी धोएंगे, और क्या बोलते हैं मैं क्या हाथ भी धुलवाएंगे। ये देखो हरी मिर्च इस पर डाल के उसको धो रहे हैं भैया। अरे हम करने वाले बोन फायर पूरी बनाया जा रही है, लकड़ियों को ले जा रहे हैं फटाफट से। डेट में आने रखी थी, सबसे तगड़ा जुगाड़ हम लेके आए कपूर, क्योंकि तो भाई ये जलाना कभी बहुत जगह मुश्किल हो जाता है, जल नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल से जलते हैं, इसलिए भाई हम तो पहले से ही व्यवस्था करके लाए कपूर की। तो भाई अब काटेंगे सबसे पहले प्याज छीलो भाई, और टमाटर तो भूल चुके हैं, तो बिना टमाटर, अब टमाटर के बदले ये केचप है, केचप डाल के खाएंगे और क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तेल भी लेके आए हैं भाई, नमक लेके आए हैं, ये क्या है मिर्ची, लाल मिर्ची है, मैगी मसाले का पैकेट है, और राई जीरा खाएंगे, ये मन बोलना वो भी लाए, भैया राई जीरा भी लेके आए। आग जल नहीं रही है, भूखते हैं देखते हैं भाई। जंगल में आओ तो विशेष ध्यान रखो, आग अपन जला रहे हैं वो इधर उधर नहीं जाए, क्योंकि भाई पेड़ पौधे रहते हैं बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए विशेष ध्यान रखना है ये इस चीज का। चलो अब यहाँ पे जरूरत तेल डालेंगे इसमें, वहाँ पे मैं अपने प्याज काट रहा है, ये देखो कितने प्यारे प्याज काट रहा है, छोटे छोटे हरी मिर्च है, सेटअप है यार, मस्त लग रहा है यार एकदम से। आप तो सिर्फ एक बार बोल दो, एक बार बस इस हमारे वीडियो पे 1K लाइक आ गए ना भाई, इसी बता रहे हम टेंट खरीद के यहाँ पे कैंपिंग करने आएंगे, हम बता रहे हैं खुद ही है ना भाई, बस 1K लाइक करा दो इस पे, 101% भाई हम लोग यहाँ पे आएंगे कैंपिंग करने। देखो भाई जल तो चुकी है, आग कड़े दी है भाई, जितना हो सके सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल करो, ये पन्नी वन्नी का इस्तेमाल मत करो भाई, क्योंकि क्या है कि इससे गंदा पॉल्यूशन भी फैलता है, इसलिए पन्नी को और गंदगी बिल्कुल नहीं होना भाई। आप जैसा देख रहे हो ना वैसे ही करके हम जाएंगे, बिल्कुल साफ सफाई रख के जाएंगे, क्योंकि ये गंदी प्लेस करने का कोई वो सवाल नहीं होता, सिर्फ भाई जितना है अपनी जेब में रखते चलो, तो जेब में भरो भाई से चलो भाई।
गाइस हमारी हो चुकी कढ़ाई गरम। अब ये हम ऑयल लेके आए हैं, ऑयल डालेंगे इसमें, ऑयल को गरम होने देते हैं। इसके बाद हम लेके आए हैं, दिखाते हैं घर से सब व्यवस्था करके लाया भाई, ये राई और जीरा। तब इसमें राई जीरा जाएगा। गाइस अब ये हो चुका है हमारा तेल गरम, इसमें हम डाल रहे हैं राई और जीरा। ये राई और जीरा डाल चुके हैं, अब इसमें हम हरी मिर्ची काटेंगे। तो हरी मिर्ची काटने का सबसे प्यारा तरीका, काटते जाओ काटते जाओ। ओ भाई मेरे पाँव बजा रहा है भाई, वाओ भाई वाओ। हरी मिर्ची हम तो फुल डालेंगे क्योंकि भाई सभी मिर्ची खाने वाले हैं, हाँ तगड़ी। और हमारे पास टमाटर है नहीं तो ग्रेवी बनेगी, इसलिए सिर्फ हरी मिर्ची से ही ठीक है। चलो भाई हरी मिर्ची ये डल चुकी है, हरी मिर्ची थोड़ी लाल होने तक अब डालेंगे इसमें प्याज। अब डालने वाले हैं प्याज इसमें, ये भाई प्याज डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर, अब लाल होंगे तब तक ऐसे ही रखेंगे भाई। गाइज आप बस सपोर्ट बनाओ, पूरी किट तैयार करेंगे हम। अगर आपको कैंपिंग अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि भाई हाँ मज़ा आया वीडियो देखने में। अगर पसंद आएगी तो गाइज पूरी वीडियो फिर इसकी कैंपिंग की पूरी हम तैयारी करेंगे, और तैयारी करने के बाद फिर देखो भाई हर संडे का बिल्कुल टूर बनेगा अपना, इधर से उधर कहीं ना कहीं टूर बनेगा ही बनेगा भाई। तो गाइज अभी हमारे थोड़े थोड़े लाल हो चुके हैं ये प्याज। तो गाइज अब मैगी को फाड़ते हैं, इसमें नमक मिर्च डाल दो। सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्ची, जैसे पानी। अब पानी के लिए तो ये लाल मिर्ची हमने डाल चुकी है इसमें, और टमाटर तो है ना, जिन्हें टमाटर का ही काम चलाना है इसमें। और इसके ऊपर डालेंगे नमक, तो हम तो घर से नमक का डिब्बा ही उठा लाया भाई। ये नमक डाल दिया है, मसाला फाड़ो भाई। मसाला पकने देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भाई मसाला पकने के बाद ही आनंद आता है। तो देखो ये रहा हमारा मैगी मसाला निकल अंडा। अब पानी की बोतल, पानी भी भूल गए थे तो भाई ये किल्ली का पानी लेना पड़ा। डालो इसमें डालते हैं मैगी को। सब देखो मैगी धीरे धीरे करके उबलना चालू हो जाएगी। अब गाइस हम सेव परमल भी लेके आए थे जो कि बैग में ढुल चुके हैं, पर वो बैग में काला काला निकल रहा था। तो ये देखो ये दोनों बीनने में लगे हुए हैं सेव परमल। देखो भाई इधर देख लो। Yo guys. तो गाइस हमारी मैगी बन चुकी है। अब इसे अलग रखते हैं क्योंकि यहाँ पर तो हमारी मैगी हो चुकी है तैयार, स्पाइसी मैगी। तो गाइस ये आ चुकी है हम सबके बंटवारे में मैगी, ये सॉस, ये पानी, ये मैगी। तो यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। गाइस मैगी अभी खा चुके हैं, अब यहाँ की करते हैं साफ सफाई भाई। एक चीज, जंगल में खाना खाने के बाद या फिर कहीं भी आए हरियाली हरियाली चीजों के पास, तो वहाँ पे खाना खाने के बाद जो भी तुमने खाया है ये सब को सफेद के कचरे की बाल्टी में रख देना, बस यहाँ खाना खाया है। तो उड़ाओ भाई सभी। अब जा रहे हैं कढ़ाई को धोने, और पानी में बोतल भर के लाएंगे क्योंकि जो आग जलाई थी उसमें थोड़े से अंगारे हैं, तो उसे बुझाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इधर उधर कभी हवा में इधर उधर हो गया तो आग लग सकती है, क्योंकि सूखी सूखी घासें हैं। तो सबसे पहले भाई चलते हैं इधर। तो गाइस मिट्टी से धो रहा है भाई। बिल्कुल। तो गाइस कढ़ाई तो धुल चुकी है हमारी, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जब तक के लिए बाय बाय। मेरे दिल लारे लारे नी तू लाउन वाली है, दिल तेरा जलन तू।